टॉपिक का नाम है मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सपोज करो मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर इस वायर में कौन सा करंट जा रहा है, मैंने कहा मेरे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। उसने कहा इसकी वैल्यू क्या है, इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कहा देख इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 एम्पियर है। तो तू ये देख 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर, फिर देख डायरेक्शन चेंज होगी 1, 2, 3, 2, 1, 0, फिर देख डायरेक्शन चेंज होगी। वो कहेगा यार ये कैसा करंट है, अगर मैं एमीटर से मेजर करूंगा तो ये करंट आएगा, फिर तो मैं कभी मेजर नहीं कर पाऊंगा एक वायर में कितना करंट है, क्योंकि हर वक्त करंट क्या हो रहा है, चेंज। तो ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो वैसी बात होगी जैसे मैं एक मैच देख रहा हूँ और स्टूडेंट ने पूछा कि मैच कैसा चल रहा है, तो मैंने कहा देख पहली बॉल के ऊपर तो कुछ नहीं किया उसने प्लेयर ने, दूसरे के ऊपर उसने 2 रन मारे, तीसरे पे कुछ नहीं किया, चौथे पे चौका मार दिया, फिर कुछ नहीं किया एक ओवर, तो मैं हर बॉल के बारे में बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं बताऊंगा मैच की एवरेज 6 की है, आप समझ जाएंगे कि इतना स्कोर चाहिए। तो हम तभी तो एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जो काम इंस्टेंटेनियस चल रहा है हर बॉल पे जो चीज़ चेंज हो रही है आप उसको इवेल्युएट कैसे करोगे, आप क्या करोगे उसके एवरेज वैल्यू ले लोगे। उसी तरीके से जब आप करंट इंस्टेंटेनियसली हर पॉइंट पर हर वैल्यू पर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, हम क्या करेंगे उसकी एवरेज वैल्यू लेंगे या मीन वैल्यू लेंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम इतने चेंजिंग करंट के साथ काम कैसे करेंगे, हर वक्त ही इंटीग्रेशन करते रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू लेंगे जो हमारा पर्पस सॉल्व करेगा। कौन सा पर्पस, कि अगर चेंजिंग करंट पास करें ऑल्टरनेटिंग करंट, या ये करंट पास करें मीन करंट, आंसर एग्जैक्टली क्या आ जाए, सेम आ जाए और हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट को सीखने के लिए इमेजिन करो आपके पास ये एक डायग्राम है, मान लो ये करंट है, बस एक छोटा वेव फॉर्म है, करंट है इस इसमें ये आई और ये टी है। तो जो एवरेज करंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, कितना चार्ज पास किया गया और कितने टाइम में पास किया गया। ठीक वैसे ही जैसे एवरेज वेलोसिटी होती थी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इसके अंदर टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल चार्ज कितने हैं, तो टोटल चार्ज में काम करो आप पहले एक इसका एलिमेंट लो, छोटा सा पोर्शन लो, ये पोर्शन क्या है dt टाइम का है, और मान लो ये करंट की वैल्यू इसमें i है, तो इसका छोटा सा एरिया आपको क्या देगा, idt, लेंथ इंटू ब्रेथ idt, और करंट इंटू टाइम क्या होता है, चार्ज। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्मॉल चार्ज। और अगर आप टोटल एरिया निकाल दें, अगर आप मुझे यहां पर टोटल एरिया बता दें i और t का, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, आई डी टी की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन टी वन से लेके कहां तक, टी टू तक। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका सबको समझ में आ गया, आई डी टी की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन टी वन से लेके टी टू, तो टोटल चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। तो एवरेज जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या बना, उसका फॉर्मूला यह बना कि टोटल चार्ज न्यूमिनेटर में क्या पुट करेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टाइम क्या, डीटी की इंटीग्रेशन टी वन से लेके टी टू तक। तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम आपको क्या देगा, एवरेज करंट। कोई डाउट इसमें, ये फॉर्मूले को प्लीज बॉक्स में डाल लें। तो आज की बात कभी भी एवरेज करंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज करंट को हम निकाल लेंगे, ठीक है यहां तक। अब मुझे एक चीज पता है कि मेरे को ये जो करंट आई गिवन है, ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे करंट एसी में क्या गिवन है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं इस आई की जगह ऊपर क्या पुट कर दूंगा, इस आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि एवरेज करंट किसी ने कहा निकालो, मैंने कहा निकाल लेते हैं यहां से यहां तक, एक साइकिल लेंगे कंप्लीट एसी का, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, और जब हम एवरेज करंट लेंगे तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। वो क्यों, क्योंकि आधी वैल्यूज पॉजिटिव आधी नेगेटिव, जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, टोटल करेंगे नेट आंसर जीरो। तो एवरेज करंट तो यानी कि मैं बता ही नहीं पाऊंगा, अगर मैं ये किसी को बोलूंगा भाई करंट जीरो है वो टच करेगा उसको करंट लग जाएगा, तो करंट तो जीरो नहीं हो सकता। तो इसलिए एवरेज करंट जब भी निकलता है वो कंप्लीट साइकिल पे कभी नहीं निकलता, वो हमेशा हाफ साइकिल पे निकलेगा, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ। तो पॉइंट नंबर वन, मीन या एवरेज करंट कभी भी कंप्लीट साइकिल पे नहीं निकालना, हाफ साइकिल पे निकालना है। कंप्लीट साइकिल पे ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। हाफ साइकिल पे क्या होगा, लिमिट क्या पुट करेंगे, जीरो से लेके टी बाई टू। तो आप चेक कर सकते हो लिमिट यहां पर क्या पुट की, जीरो से टी नहीं की, और वैसे भी सबको पता है
साइन थीटा की इंटीग्रेशन जीरो से टी, क्या फॉर्मूला याद करवाया था? जीरो, तो जीरो ही आना था, तो जीरो से टी नहीं करना, जीरो से टी बाई टू करना है, तो डिनोमिनेटर में जीरो से टी बाई टू, तो इसकी इंटीग्रेशन आपको आंसर टी बाई टू देगी। आई नॉट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताई कैसे करनी है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा, और टी बाई टू तो एज इट इज चल ही रहा है। तो इस ये वही इंटीग्रेशन जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, माइनस बाहर आ गया, कॉस में स्मॉल टी में एक बार अपर लिमिट, एक बार स्मॉल टी में लोअर लिमिट, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो कॉस पाई क्या है माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन माइनस वन माइनस टू और माइनस प्लस टू, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं टू पाई बाई टी, टू से टू कैंसल, तो सॉल्व करेंगे ये आंसर आ गया 2/π होता है 0.637 आई नॉट। तो फॉर्मूला बॉक्स में डालो, एवरेज करंट का फॉर्मूला 0.637 टाइम्स आई नॉट, मतलब अब अगर कोई वही स्टूडेंट पूछता है कि सर वायर में कितना करंट है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देख वायर का मैक्सिमम करंट आई नॉट है, आई नॉट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम करंट, ई नॉट का मतलब क्या होता है मैक्सिमम ईएमएफ, तो आई नॉट अगर मैक्सिमम करंट है 3 एम्पियर, तो एक काम करते हैं 0.637 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट दी एवरेज या मीन वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला 0.637 को मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो करंट आएगा उसकी एवरेज वैल्यू ही बोली जाएगी। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, हाउ टू कैलकुलेट दी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, कोई डाउट इसमें?